है, देखिए फोर्थ पॉइंट है आपका इस बुक में फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, और मैं तो आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी आप पूरा पढ़िए, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग से कमेंट्स कीजिए, ठीक है, हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। मैं पूरा नहीं टेक्स्ट बुक पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के रखता हूँ, ठीक है। अब नोट्स आगे देखें तो बहुत आसान है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स का, ओके। और अब पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर एक बार पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी 11th पे मजाक नहीं होता, ठीक है। सो आते हैं, चलिए फॉर्मल चार्ज में। फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज ऑन एटम, ओके, इन अ मॉलिक्यूल इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस आर इग्नोर्ड, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज हो जाएगा आपका, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन फ्री एटम्स, माइनस टोटल नंबर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो हो जाएगा। अब मैं इसको ठीक से कर रहा हूँ ताकि आप देख सकते हैं, ये जो डेफिनेशन है ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है। आपको दिखाना चाहता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 98 में आप देख सकते हैं ये सब डेफिनेशन है, ठीक है, ये सब फार्मूलाज है। अब अगर हाँ चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। द काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द assumption that the atom is the atom in the molecule owns one electron for each shared pair and both the electrons of the lone pair, ठीक है। आपको सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज देखिए, अगर ओजोन का बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो आप देख सकते हैं कि इस ये जो 1, 2, 3 ऑक्सीजन है और वो तीनों का ऑक्टेट आपका पूरा हो रहा है, कैसे देखिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। अब ऑक्सीजन 1 का देखे तो इसका भी 4 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया टोटल, यहाँ पे 2 हो गया और ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 8, इसका भी 8। अब देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज होगा होता क्या, द एटम हैव बीन नंबर्ड इन दिस, ठीक है, द सेंट्रल एटम, यानी कि अगर वन ऑक्सीजन का बात करें, ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, हम लोग डेफिनेशन था कि देखिए टोटल नंबर ऑफ बैलेंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस हम लोग को पता है ऑक्सीजन का 6 होता है, तो सबसे पहले 6 है, ठीक है, मतलब बॉन्डिंग के पहले लेंगे, बॉन्डिंग के पहले ही बैलेंस होता है, जो ऑक्टेट पूरा कर लिया वो उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे हम लोग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो पहले 6 हो गया, ठीक है। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या बाकी 4 जो है बॉन्डिंग कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये तो यहाँ पे खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो कि पेयर बना नहीं रहे, दूसरों के साथ शेयर नहीं हो रहे, तो यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, -2, और फिर है -1/2 बॉन्डिंग पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स। अब बॉन्डिंग पेयर्स ये ऑक्टेट फॉर्म कर गया, उसमें से नॉन बॉन्डिंग 2 है, ठीक है, और बाकी जो रहा 6 वो बॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे 4 यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो हाफ ऑफ द नॉन बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वल टू +1, ठीक है, अगर बीच वाले ऑक्सीजन की बात करें, देखिए एंड नंबर 2 जो मार्क किया ऑक्सीजन उसका अगर बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका 4 मिल जाएगा, ठीक है, -1/2 ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्टेट अगर पूरा कर रहा है तो देखिए 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हाफ ऑफ द बॉन्डिंग अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो 0 आपका आ जाएगा, और अदर एंड ऑफ द जो कि मार्क 3 है, ठीक है, मार्क एज 3 ऑफ द ऑक्सीजन, उसको देखें तो बैलेंस ऑफ एनी एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का अगर बात करें तो 6 है, ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखिए कि
नॉन बॉन्डिंग 6 है, दो ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस 6 कर दिए, फिर माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपका 2 है, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका शेयर हो रहे हैं, तो ये हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू माइनस 1 है, इसको सिंप्लीफाई करें, हेंस वी रिप्रेजेंट O3 अलॉन्ग विद द फॉर्मल चार्जेस एज, देखिए यहाँ पे अगर सिंग बीच वाले ऑक्सीजन का हम लोग बात किए तो प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, अब इसका माइनस 1 और इसका 0 हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही आप कई एग्जांपल देख सकते हैं डिफरेंट बुक से, मैं ज़्यादा आपको एग्जांपल नहीं दूंगा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप और एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे N2O का, ठीक है, N2O का फॉर्मेशन आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि N का है, N फिर O है, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड, यानी कि अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा है इसका, देखिए कि नाइट्रोजन का पूरा ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो इसमें से 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 नॉन बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन में कोई हर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई खाली नहीं बैठा है, और इसमें 6 खाली बैठा हुआ है, ठीक है, अब जानेंगे आगे, देखिए टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के नाइट्रोजन का बात करें, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है, वो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का सबका मीन्स एक एक एलिमेंट्स का बदलता नहीं है, वो मेरा कहने का मतलब था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ठीक है, नाइट्रोजन का मतलब बताइए, अब लोन पेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ही है, ठीक है, तो लोन पेयर 2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब ऑक्टेट जब फॉर्म कर गया तो कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बॉन्ड फॉर्म कर रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 है, तो 6, तो अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो हो जाएगा आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग जो कि 2 है, माइनस फिर माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब सेंट्रल नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, सेंट्रल नाइट्रोजन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, लोन पेयर आप देख सकते हैं कि कोई लोन पेयर नहीं है, तो नील हो गया, और टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि 8 ऑक्टेट पूरा कर रहा है, तो वो पूरा 8 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस क्योंकि वो 0 है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग माइनस हाफ ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और अगर टर्मिनल ऑक्सीजन की बात करें जो कि राइट साइड हैंड साइड है जो कि तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होता है 6, लोन पेयर आपका हो गया 3-6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया, लोन पेयर 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉन बॉन्डिंग हो रहा है वो हो गया 6, और जो बॉन्ड हो रहा है वो हो गया 2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज हो जाएगा आपका 6 जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि 6 माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 हाफ ऑफ द 2 यानी कि 1, तो 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 6 तो माइनस 1 हो गया आपका, दस द स्ट्रक्चर ऑफ द रिटर्न कैन भी देखिए, अब अगर देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, बीच वाले नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो प्लस है और इसका जो है वो माइनस है, ऐसे आप शो कर सकते हैं, ये हो गया शो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, 4 टॉपिक्स, अगले वीडियो में